32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है। तौर से लड़ने वाला आदमी चाहिए, लड़ेगा जो खड़ा रहेगा वो निश्चित माफियाओं से अपराधियों के खिलाफ खड़ा रहेगा। अवधेश राय हत्याकांड पर कोर्ट ने सुनाया फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दिया दोषी करार। मुख्तार अंसारी को हुई उम्र कैद और 1,00,000 रुपए का जुर्माना। हाई कोर्ट का रुख करेंगे मुख्तार अंसारी के वकील। पूर्वांचल में जिसकी तूती बोलती थी, जिसका सिक्का चलता था, जिसके नाम से लोग खौफ खाते थे, जिसके दहशत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, अब उसी बाहुबली, अब उसी माफिया डॉन पर कस चुका है कानून का शिकंजा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में 32 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिए जाने के बाद सजा का ऐलान कर दिया गया। न्यायाधीश अवनीश गौतम ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अंसारी पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शारीरिक तौर पर अंसारी कोर्ट में मौजूद नहीं था और सुनवाई के दौरान वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा हुआ था। अरेस्ट ऑफ प्रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1,00,000 जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। आपको बता दें कि 32 साल से ये मामला कोर्ट में पेंडिंग था। जानकारी के मुताबिक 3 अगस्त 1991 को अजय राय के भाई अवधेश राय अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। इस दौरान बदमाशों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। घटना में उनके भाई अजय राय मुख्य गवाह थे, जिन्हें कई बार जान से मारने की धमकी मिली, लेकिन वो डरे नहीं और अब उन्हें आखिरकार न्याय मिल गया है। 32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग, सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 3 अगस्त की सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई के साथ घर के बाहर खड़े हुए थे और बातचीत कर रहे थे। अचानक एक वैन वहां आकर रुकी और इससे पहले कि अजय और अवधेश कुछ समझ पाते, उन पर गोलियां बरसनी शुरू हो गई। इस वारदात में अवधेश की मौत हो गई थी और भाई अजय राय बाल बाल बच गए थे। अवधेश राय हत्याकांड यानी एक रुका हुआ फैसला। 3 अगस्त 1991 को जिस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था, अब वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने उसी में सजा सुनाई है और सजा का नाम है उम्र कैद और 1,00,000 रुपए का जुर्माना। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश नाई और पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। 5 आरोपियों में से आरोपी अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। ये सजा दिलाने की जो प्रक्रिया है वो ये प्रूफ करती है कि पुलिस विभाग तथा अभियोजन विभाग के बीच बहुत ही अच्छा समन्वय है तथा साक्षियों को समय समय पे कोर्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा माननीय न्यायालय ने सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी के वकील आदित्य रघुवंशी अब इस सजा के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कहना अभी मुश्किल होगा कि मुख्तार अंसारी के जख्मों पर मरहम लग पाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह के साथ जुबैर खान, पीटीसी न्यूज़, उत्तर प्रदेश।